गुड मॉर्निंग। आज का ये टॉपिक है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का है पादप जल संबंध। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे। मुख्य बिंदु है वैसे इसमें जल का महत्व, विषरण, अंतःशोषण, परासरण, झिल्ली की पारगम्यता, विलयन के प्रकार। इसके अतिरिक्त जैसे भित्ति दाब और वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, इसके अंतर्गत भी अध्ययन करेंगे। फिर परासरण के अंतर्गत उसका प्रायोगिक महत्व भी देखेंगे, प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। वैसे ही अंतःशोषण में भी एक प्रयोग का वर्णन करेंगे। अब सबसे पहले जैसे देखते हैं पादप जल संबंध, जीवों की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति जल में हुई है आरंभिक अवस्था में। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के करोड़ों वर्ष बीत गए तब फिर जीवों की उत्पत्ति हुआ है। तो जल में उत्पत्ति हुई, लेकिन अब भी जीवित जंतु और पौधे दोनों के को ही जल की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। जल बहुत ही आवश्यक है जंतुओं के लिए भी और पौधों के लिए भी। इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। जल यदि ना रहे तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, पौधे और जंतु जीवित नहीं रह सकते जल के बिना। इसलिए कि जंतु और पौधों के शरीर में 60 से लेकर 90% तक जल रहता है। जली पौधे हैं यदि तो उसमें 90% तक जल रहता है, स्थली हैं तो उसमें परसेंट कम रहता है। तो 60 से 90% तक जल रहता है शरीर में। जैसे अब किसी का वजन यदि 100 किलोग्राम है तो वहाँ पर पानी कितना होगा, कम से कम 70% पानी रहता है। इसी प्रकार जब तक जीवित हैं रुधिर कणिकाएँ, रुधिर कोशिकाएँ, पूरे अंग, ऊतक पानी से भरे हुए हैं। लेकिन जब मृत हो जाते हैं तो रुधिर कोशिकाएँ चिपक जाते हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है और बच जाता है केवल पानी। तो जीवन के लिए जल आवश्यक है, पौधे हों चाहे जंतु हो। इसलिए कि जीव द्रव्य बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। शरीर में जीव द्रव्य है, एक एक कोशिकाओं में जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य को तरल रूप में बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी भरा हुआ है एक एक कोशिकाओं में, तो एक तो जीव द्रव्य के लिए, यदि पानी ना रहे तो जीव द्रव्य सूख जाएगा, मृत हो जाएगा। यदि जीव द्रव्य सूख गया तो जीव मृत हो जाएगा, जैविक क्रियाएँ रुक जाएंगी। तो ये पानी का महत्व है। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन उपलब्ध होता है पानी से। पानी से हाइड्रोजन उपलब्ध होता है, तो जल यहाँ पर भी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में देखते हैं, श्वसन क्रिया में जटिल खाद्य पदार्थों को तोड़ा जाता है। जटिल खाद्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको तोड़ा जाता है सरल पदार्थ में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, साथ में ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में जल उत्पन्न होता है। जल जब रहता है तो श्वसन क्रिया में तेजी हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में देख रहे हैं हाइड्रोजन उपलब्ध कर रहा है जो कार्बोहाइड्रेट निर्माण में आवश्यक होता है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न हो रहा है। जल की उपस्थिति में श्वसन की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कई क्रियाएँ होते हैं, जैसे जल अपघटन और संघनन की क्रियाएँ। जल अपघटन शरीर में, जैसे अब यदि जंतु शरीर में देखे तो जल अपघटन के द्वारा भोजन का पाचन होता है। कई जटिल पदार्थ टूटते रहते हैं, सरल पदार्थ बनते रहते हैं। इसी प्रकार संघनन की क्रिया होती है जिसमें सरल पदार्थ आपस में मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जल अपघटन और संघनन की क्रियाएँ होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद मृदा में जैसे जल पर्याप्त मात्रा में रहता है तो पौधे अवशोषित करते हैं, और पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी क्रियाएं होते रहते हैं। मुख्य जैसे अब यहाँ पर विषरण की क्रिया क्या है,
विषण, डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में डाल दिया जाता है, जैसे एक बीकर लिए, बीकर में पानी ले लिए, उसमें छोटा से कण हम कॉपर सल्फेट का डाल दें, कॉपर सल्फेट, या फिर जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, एक कण डाल दें, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे घुलने लगेगा। पोटेशियम परमैंगनेट का कण घुलने लगेगा और धीरे धीरे फैलने लगेगा, पानी में फैलने लगता है। तो विलेय और विलायक, जैसे अब जो पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं ये विलेय है और पानी यहाँ पर विलायक है। कभी कभी ये बोला जाता है जिसकी मात्रा कम है वो विलेय कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक कहलाता है। तो विषण की क्रिया में विलेय और विलायक होते हैं, विलेय धीरे धीरे विलायक में घुलने लगते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जैसे अब एक कोने में यदि अच्छा सेंट वाला अगरबत्ती एक लगा दिया जाए तो उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलने लगता है, जहाँ पर अगरबत्ती लगाए हैं वहाँ पर खुशबू अधिक रहेगा, धीरे धीरे वो फैलते जाएगा, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे कम होते जाएगा। या फिर जैसे अब रसायन प्रैक्टिकल अपन करते हैं तो उस समय ग्रुप परीक्षण करने के लिए क्षारीय मूलकों को निकालने के लिए H2S गैस की आवश्यकता होती है। लैब में H2S गैस लैब है, स्कूल में कोई कोने में वहाँ पर H2S गैस बन रहा है, वो पूरा स्कूल भर और बाहर तक फैल रहा है, तब पता चलता है कि रसायन का प्रैक्टिकल हो रहा है, है? तो इस प्रकार से पदार्थों के अणुओं की गति, यहाँ पर विषण क्या है, पदार्थों के अणुओं की वह गति जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है विषण कहलाती है। पदार्थ इसलिए यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है इसलिए कि ठोस द्रव गैस सभी में होता है, विषण की क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों में ही होती है। जैसे द्रव का द्रव में विषण बोलें, दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो जिसकी मात्रा कम रहे वो विलेय मान लेंगे, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक मान लेंगे। तो यहाँ पर द्रव में द्रव का विषण होता है, द्रव का द्रव में विषण हो रहा है। गैस वाला बताया, जैसे H2S गैस वाला है, गैस का गैस में विषण हो रहा है, लेकिन हर जगह यह देखने को मिलेगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों के अणुओं की गति होती है। पोटेशियम परमैंगनेट वाला देखे, जैसे ठोस का द्रव में विषण हो रहा है, तो इस प्रकार ठोस का द्रव में, गैस का गैस में, द्रव का द्रव में विषण हो सकता है, लेकिन उसके अणुओं की गति हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। पदार्थों के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, ये क्रिया विषण कहलाती है। विषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें जैसे विषण करने वाले पदार्थ का घनत्व तो पहला होता है, विषण को प्रभावित करने वाले कारक एक तो है विषण करने वाले पदार्थ का घनत्व, दूसरा है माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व तापमान
तीसरा है तापक्रम, वेषण दाब प्रवणता, तो चार मुख्य कारक हैं विषण की गति को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे विषण करने वाले पदार्थ का घनत्व, घनत्व का मतलब क्या है, घनत्व मतलब कोई ठोस ठोस क्यों है, इसलिए कि उसके अणु पास पास हैं। यदि अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाए, अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाए, हाइड्रोजन बंध कमजोर पड़ जाए, तो उस समय अवस्था बदल जाता है, द्रव अवस्था आ जाता है। यदि हाइड्रोजन बंध और दूर दूर हो जाए तो उस समय वो गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। घनत्व मतलब अणुओं की नजदीकता। यदि ठोस हैं, विषण करने वाले पदार्थ का घनत्व यदि अधिक है, घनत्व अधिक है तो विषण की दर कम हो जाती है। मुख्य बात यही है, घनत्व अधिक है तो विषण की दर कम हो जाती है। माध्यम का घनत्व, यदि माध्यम जैसे जल में हो रहा है या हवा में हो रहा है या और कहीं हो रहा है विषण की क्रिया, माध्यम का घनत्व यदि अधिक है तो वहाँ पर भी विषण की गति धीमी होती है। विषण मतलब फैलना, जैसे एक कोने में एक अगरबत्ती लगा दे रहे हैं, उसका खुशबू धीरे धीरे फैल रहा है, मतलब विषित हो रहा है, फैल रहा है। तो माध्यम का घनत्व यदि अधिक है तो उस समय विषण की क्रिया धीमी गति से होती है। तापक्रम, तापक्रम जैसे बढ़ने लगता है, सामान्य जैसे अब 25 से 30 डिग्री तक तापक्रम ठीक रहता है कोई भी रासायनिक क्रिया के लिए या फिर विषण क्रिया के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन तापक्रम यदि बढ़ने लगे तो होता यह है कि पदार्थों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं के बीच जो ऊर्जा है, जैसे कंपन होता है, वो बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसके कारण से विषण की दर बढ़ जाती है। तो पहला और दूसरे में तो कम हो रहा था, लेकिन तापक्रम बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और विषण की दर बढ़ जाती है। विषण दाब प्रवणता, अब ये प्रवणता यह है कि जैसे कोई पदार्थ अधिक सांद्र होता है, कोई होता है तनु, मतलब है ये मान सकते हैं, जैसे अब एक बीकर पानी में बिल्कुल थोड़ा सा नमक घोल दिए, थोड़ा सा नमक डाले तो तनु विलयन बनेगा, लेकिन यदि नमक को 2 चम्मच 3 चम्मच यदि डाल दिए तो विलय की मात्रा बढ़ गया, उस समय वो सांद्र विलयन बनेगा। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन, अब दोनों को यदि पास पास रखें तो उनमें कितना अंतर है। तनु में तो अणुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन सांद्र में बहुत अधिक है, इसी यही अंतर को बोला जाता है विषण दाब प्रवणता। तो विलय और विलायक के बीच जितना विषण दाब प्रवणता में अंतर होगा, विषण की दर उतनी ही तेजी से होगा। यदि माध्यम का घनत्व अधिक है तो विषण की दर कम हो जाती है, विषण करने वाले पदार्थ का घनत्व कम है तब भी कम हो जा रहा है, लेकिन यदि दो विलयन है वहाँ पर विषण दाब प्रवणता यदि अंतर है तो विषण की गति बढ़ जाती है। इसका महत्व, विषण का महत्व, इसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जैसे अभी अब आज तो थोड़ा ठंडक है, गर्मी यदि ज़्यादा लगते रहे तो उस समय पेड़ के नीचे में यदि हम चले जाएं तो ठंडा लगता है। ये इस ठंड का कारण, एक कारण तो छांव है और दूसरा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। पौधों की पत्तियों में, खास करके तनों में भी कुछ पाया जाता है छिद्र, लेकिन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। इन रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है, इस क्रिया को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ये विषण की क्रिया है, पौधों से जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है। इसी प्रकार गैसीय आदान प्रदान होता है, केवल जंतुओं में ही श्वसन होती है वैसी नहीं है, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, दिन रात श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
कभी कभी ये देखने को मिलता है, खास करके शाम के समय श्वसन में, जो श्वसन क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो श्वसन में उपयोग हो जाता है। प्रकाश संतुलन तीव्रता कहलाता है, प्रकाश संतुलन तीव्रता, ये अक्सर शाम के समय होता है। तो गैसीय आदान प्रदान की क्रियाएं होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होते हैं, इसके कारण से कुछ पौधों में जैसे अब परागण की क्रिया भी होती है, परागण की क्रिया जैसे अब विषण की क्रिया होती है तो कुछ फूलों से अच्छा सुगंध आता है। उसका कारण क्या है? फूलों से सुगंध आना आता है तो सब जानते हैं, लेकिन आना मतलब कुछ एरोमेटिक पदार्थ होते हैं, एरोमेटिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं, ये सब विषण क्रिया के द्वारा निकलते रहता है बाहर, इसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैलते रहता है खुशबू, और कीट हैं, छोटे मोटे पक्षी हैं, ये सब आकर्षित होते हैं और फूलों में जाके बैठते हैं। इसके कारण से परागण की क्रिया होती है, परागण होती है तब फूल में फल और बीज बनते हैं। तो ये सारी क्रियाएं इसी संबंधित हैं। अगला है अंतःचूषण। पदार्थों में अंतःचूषण इम्बिबिशन कहलाता है, ये अंतःचूषण। कुछ पदार्थों में ये गुण पाया जाता है कि वो किसी विलयन को या किसी द्रव रूप को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज जितने पादप कोशिकाएं हैं उनके कोशिका भित्ति पूरे सेलुलोज से बने होते हैं, पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना रहता है। लंबे लंबे जितने रेशे होते हैं, जैसे कुछ सब्जियों में लंबे लंबे रेशे होते हैं, पत्तियों में तने में रेशे पाए जाते हैं, सब सेलुलोज होता है। इसमें गुण पाया जाता है कि जल को ये सोख लेते हैं, प्रोटीन भी सोख लेता है जल को, हैं, प्रोटीन भी सोख लेता है जल को। और सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि जैसे अब चना और मटर को भिगा देते हैं, हैं, रात भर में भीग जाता है, सवेरे देखते हैं साइज बड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये भी क्रिया एक अंतःचूषण का उदाहरण है। तो अंतःचूषण कुछ पदार्थ हैं जो तरल पदार्थ को या जल को या विलायक को बोल सकते हैं अवशोषित कर लेते हैं और अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं, तो अवशोषण की क्रिया हो रही है। आयतन में वृद्धि हो जाती है, ताप में वृद्धि हो जाती है, ताप भी वृद्धि हो जाता है, आयतन वृद्धि हो जाता है, पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाएँ हैं, चूसने की क्रिया या सोखने की क्रिया, ये अंतःचूषण कहलाता है। जैसे सेलुलोज में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, सूखे बीजों में पाया जाता है, लेकिन खास करके अंतःचूषण की क्रिया होने के लिए पदार्थ का सूखा होना आवश्यक होता है, सूखा होना चाहिए। इसके कारण एक दाब उत्पन्न होता है, अंतःचूषण के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसको अंतःचूषण दाब कहा जाता है। अंतःचूषण दाब बहुत अधिक दाब होता है, इसके कारण जैसे बीजों में अंकुरण होता है अंतःचूषण दाब का उपयोग किया जाता है। यदि अंतःचूषण दाब ना उत्पन्न हो तो बीज में अंकुरण नहीं होगा। बीज जैसे जमीन में डाल दिए, कहीं पर भी बीज को डाल दिए, पहले तो वो जल को अवशोषित करके आकार में बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसका जो बाह्य वरण है, बीजावरण बोलते हैं, सीट कॉर्ड बीजावरण, वो फट जाता है। बीजावरण फटने से एक निकलता है प्रांकुर या प्लीरोम, और दूसरा निकलता है मूलांकुर रेडिकल। हाँ, जैसे अब कोई बीज है, इस प्रकार कोई बीज है, पानी को सोख के आकार में बड़ा हो जाता है,
आकार बड़ा होने के बाद इसका बाहर वाला आवरण जिसको बीजावरण बोलते हैं ये फट जाता है। फटने के कारण यहाँ से दो भाग निकलता है इस प्रकार से, ये ऊपर जाता है, ये तने का निर्माण करता है, प्रांकुर या प्लीरोम कहलाता है। तो पादप जल संबंध के अंतर्गत हम लोग देखें, एक तो विषण, उसका महत्व, उसके बाद ये अंतश्चूषण, अंतश्चूषण का महत्व, इसके बाद देखते हैं परषण। ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको, परषण, ऑस्मोसिस। ये भी विषण की जैसे ही क्रिया है, ये परषण की क्रिया विषण की जैसे ही क्रिया है, लेकिन यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी जब कोई विलयन या कम सांद्रता और अधिक सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, कम सांद्रता वाला विलयन और अधिक सांद्रता वाला विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है, तो विलायक के अणुओं की गति होती है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इस प्रकार की जो गति है परषण कहलाती है। जैसे कोई एक पात्र ले लिए इस प्रकार से, यहाँ पर बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिए, एक तरफ पानी रख देते हैं H2O, इधर शक्कर का घोल रख दिए या नमक का घोल रख दिए, अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगा देते हैं, एक तरफ शुद्ध पानी रख दिए, एक तरफ नमक का घोल रख दिए। तो यहाँ पर विलायक क्या है? पानी है। विलायक पानी है, विलेय नमक है। तो शुद्ध पानी जो है नमक के घोल की ओर जाने लगता है। विलायक के अणु गति करते हैं परषण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं की गति जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है परषण कहलाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परषण की क्रिया, इसी के कारण ही पौधों से, पौधों के द्वारा जल का अवशोषण होता है परषण क्रिया के द्वारा। परषण के प्रकार यदि हम देखें तो दो प्रकार का होता है, पहला बाह्य परषण, दूसरा है अंतः परषण। अंतःपरषण जैसे किशमिश है, किशमिश को यदि पानी में हम डाल दें तो कुछ घंटे के बाद देखते हैं वो फूल जाता है, उसका कारण यह होता है बाहर का पानी किशमिश के अंदर आ जाता है, बाहर विलयन का पानी किशमिश के अंदर आ रहा है, मतलब बाहर से अंदर आए, तो इस प्रकार का परषण ही अंतःपरषण कहलाता है। किशमिश को पानी में डाल दिए, कुछ घंटे बाद देख रहे हैं वो फूल जाता है, तो बाहर से पानी अंदर आ रहा है, तो विलायक के अणुओं की वह गति जो बाह्य विलयन से अंदर आता है अंतःपरषण कहलाता है। इसमें किशमिश का उदाहरण ले लेते हैं। अब बाह्य परषण जैसे देखते हैं, बाह्य परषण मतलब बाहर जाए, किशमिश को यदि हम नमक या शक्कर के घोल में डाल दें तो किशमिश से पानी फिर बाहर हो जाएगा ना? तो इस प्रकार यदि कोशिका के अंदर से या कोई पदार्थ के अंदर से बाहर हो रहा है तो उस समय वो बाह्य परषण, बाहर से अंदर आ रहा है तो
अंतःपरर्षण कहलाता है। ये दो प्रकार होते हैं, परर्षण के प्रकार हैं, बाह्य परर्षण और अंतःपरर्षण। परर्षण क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन भी कर सकते हैं। प्रदर्शन इसमें इस क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए एक तो जैसे उबला हुआ अंडा रहता है उसके ऊपर वाला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, उसके अंदर एक पतला आवरण रहता है वो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग उसी का कर सकते हैं, या तो बकरे का, सुअर के आमाशय का भी जो झिल्ली बनाते हैं वो भी अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। इसके लिए जैसे इस प्रकार स्टैंड लगा देते हैं, बाह्य परर्षण और अंतःपरर्षण दोनों को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार स्टैंड है, यहाँ एक बीकर रख दिया जाता है, एक बीकर, इसके ऊपर एक केस नली लगा देते हैं। इस प्रकार से ये वैसे थीसिल फनल कहलाता है, इस प्रकार रहता है, थीसिल फनल कहलाता है। यहाँ भी एक बीकर रख दिए, यहाँ पर बांध दिया जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली थीसिल फनल में। इस प्रकार से अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको बोलेंगे थीसिल फनल। ये बीकर है, बीकर, बीकर में यहाँ H2O डाल दिए, यहाँ H2 बाहर, इसमें यह ध्यान देना है यहाँ पर हम शक्कर का घोल बीकर में रखे हैं और इधर शक्कर का घोल बता रहे हैं थीसिल फनल में, अर्धपारगम में झिल्ली दोनों में लगा हुआ है, बीकर दोनों में है। यहाँ बीकर में पानी है, यहाँ बीकर में शक्कर का घोल है। अब इसमें देखते हैं कि आप विलायक के अणु गति करेंगे, अधिक सांद्र घोल है शक्कर का घोल और विलायक है यहाँ पानी है? तो पानी यहाँ अंदर से बाहर निकलने लगेगा, इसके कारण क्या होगा, इस थीसिल फनल का जो जल का स्तर है वो कम हो जाएगा, पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बिकर में आ गया अधिक सांद्र घोल की ओर, तो यहाँ पर बाह्य परर्षण होगा, अंदर से बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर शक्कर का घोल यहाँ पर पाइप में है, थीसिल फनल में है, बाहर है पानी अंदर जाने लगता है, तो ये शक्कर के घोल का स्तर यहाँ पर बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है, तो बाहर से अंदर जा रहा है,
इसलिए ये अंतःपरर्षण। तो इस प्रकार छोटे से प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं परर्षण की क्रिया होती है, अंतःपरर्षण और बाह्य परर्षण दोनों होती है। वैसे एक स्लाइड वाला भी प्रयोग होता है जिसमें स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, उसके एक कोशिका को स्लाइड में रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो पूरा टर्गिड भरा हुआ दिखाई देता है। वो उस कोशिका में अब स्लाइड में एक बूंद यदि हम नमक का घोल डाल दें, वहाँ पर सांद्र घोल डाल दें, तो फिर कोशिका चिपक जाता है, बाहर निकल जाता है पानी बाह्य परर्षण के कारण। फिर देखते हैं कि उसमें एक बूंद यदि शुद्ध पानी डाल दिया जाए तो फिर से टर्गिड हो जाता है, फूल जाता है। तो अंतःपरर्षण और बाह्य परर्षण दोनों क्रियाएं वहाँ पर होते रहती हैं। परर्षण का महत्व यदि देखा जाए तो महत्व इसके कारण ही भूमि से मूल रोम के द्वारा जल पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है। विलयन के प्रकार, जैसे कई प्रकार के विलयन होते हैं पदार्थ, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन होते हैं जो पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। विलयन के प्रकार एक होता है आइसोटोनिक या समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहलाता है। दूसरा है अल्पपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन, अल्पपराशरी विलयन और अतिपराशरी विलयन। सम मतलब समान, यहां अल्प हो गए, यहाँ पर अति हो गया। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं। समपराशरी, जैसे अब अपन एक कोशिका रखते हैं, एक पेट्री डिस्क में कोशिका रखते हैं, कोशिका के बाहर हम एक विलयन रख देते हैं। यदि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की सांद्रता और कोशिका के बाहर विलयन की सांद्रता, ये दोनों यदि समान है, विलयन की सांद्रता समान है, तब इसको बोलते हैं समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब समान होता है। अल्पपराशरी विलयन, समझने के लिए जैसे अब एक अपन छोटा सा पेट्री डिस्क बना लिए, या तो फिर ये तो जैसे अब पेड़ पौधे, छोटे पौधा हो बड़ा वृक्ष हो, सब भूमि में लगे हुए हैं, भूमि में लगे हुए हैं, उसके जड़ से मूल रोम निकला है, मूल रोम के बाहर क्या है, जल है, जल है, मृदा के चारों तरफ जल है, वो जल संपर्क में रहता है मूल रोम के। जैसे अब यहाँ पर यदि हम एक कोशिका, इस प्रकार कोशिका रख दिए, RBC को रख सकते हैं, इधर बाहर एक विलयन है, कोशिका के अंदर विलयन है, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें सांद्र है इसमें नहीं है, अभी नहीं बोलेंगे। अब जैसे समपराशरी विलयन बोल रहे हैं, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो विलयन है यदि दोनों की सांद्रता समान है तो वो है समपराशरी विलयन। अल्पपराशरी विलयन, बाहर वाला कम सांद्रता का है और अंदर वाला अधिक सांद्रता का है।
उस समय ये अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। अति पराशरी विलयन बोलेंगे, अति पराशरी विलयन तो बाहर वाला अधिक हो जाएगा, बाहर के विलयन की सांद्रता अधिक है, कोशिका की सांद्रता कम है, तो इस समय प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया हो जाती है। यह आगे आएगा प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया। तो ये विलयन तीन प्रकार के होते हैं, सम पराशरी, अल्प पराशरी और अति पराशरी, तीन प्रकार के विलयन होते हैं। इसके बाद है झिल्लियों के प्रकार। झिल्ली का मतलब मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है सबसे बाहर, उसके अंदर में एक आवरण होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये झिल्ली शब्द है मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे एक तो होता है पारगम में झिल्ली, पारगम में झिल्ली, दूसरा होता है अर्ध पारगम में झिल्ली, अर्ध पारगम में झिल्ली, तीसरा होता है अपारगम में झिल्ली, अपारगम में झिल्ली, पारगम में, अर्ध पारगम में और अपारगम में, ये तीन प्रकार की झिल्लियां पाए जाते हैं पौधों में। पारगम में झिल्ली ऐसी झिल्ली जिसे विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों आर पार आ जा सकते हैं। विलेय और विलायक जैसे अब पानी में यदि शक्कर या नमक घोल देते हैं, नमक घोल दिए, नमक विलेय है और पानी विलायक है, विलेय और विलायक, तो दोनों ही विलेय और विलायक दोनों जब आर पार आ जा सकते हैं ऐसी झिल्ली पारगम में झिल्ली कहलाता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोशिका भित्ति होता है, अर्ध पारगम में झिल्ली जैसे अंडे वाला झिल्ली बताया, अंडे वाला झिल्ली है, बकरे या सुअर का आमाशय वाला झिल्ली बनाते हैं, इसमें विलेय विलायक व विलायक दोनों आ जा सकते हैं। पारगम में झिल्ली में, अर्ध पारगम में झिल्ली इसमें केवल विलायक, आ जा सकता है, विलय नहीं, तो अर्ध पारगम में झिल्ली है। अपारगम में झिल्ली इसे न विलय जा सकता है न विलायक जा सकता है। अपारगम में हो गए मतलब विलय और विलायक दोनों ही आ जा नहीं सकते, तो ऐसे झिल्ली को बोला जाता है अपारगम में झिल्ली। और ये होते हैं सुबेरिन, क्यूटिन, ये सब पदार्थ होते हैं सुबेरिन और क्यूटिन से बने हुए जो झिल्लियाँ होते हैं पौधों में, बहुवर्षीय वृक्षों में, उनमें ये अपारगम में झिल्ली पाया जाता है। तो तीन प्रकार की झिल्लियाँ होते हैं पारगम में, अर्ध पारगम में और अपारगम में। स्फीति दाब एवं भित्ति दाब,
स्फीति दाब एवं भित्ति दाब, ये भी मेम्ब्रेन से ही संबंधित है। स्फीति दाब और भित्ति दाब मेम्ब्रेन से ही संबंधित है। जब कोई कोशिका अंतःपराशन क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करता है, तो उस समय कोशिका रस के द्वारा, जैसे कोई कोशिका है, यहाँ पर कोई कोशिका इस प्रकार रख दिया जाए, बाहर जल है, यह है कोशिका। जब कोई कोशिका अंतःपराशन के द्वारा बाहर से अंदर जाएगा तो अंतःपराशन क्रिया हो जाएगा, कोशिका जल का अवशोषण करता है, तो इसके अंदर में स्फीति हो जाता है। स्फीति मतलब फूला हुआ, फूल जाता है कोशिका, और इस फूलने के कारण इसको स्फीत कोशिका या टारगेट सेल्स बोलते हैं। अब ये पूर्ण रूप से फूला रहता है तो इसके अंदर में जो जीव द्रव्य है, इसके अंदर में जो, यदि ये अब जैसे अभी पादप कोशिका होता, ये पादप कोशिका होता तो इस प्रकार बनाते, इस प्रकार कोशिका भित्ति बनाना पड़ता। जंतु कोशिका है तो कोशिका भित्ति नहीं रहता, तो ये पूर्ण रूप से स्फीत हो जाता है। उस समय इसके अंदर के कोशिका रस के द्वारा, जीव रस के द्वारा या जीव द्रव्य के द्वारा भित्ति पर जो दाब डाला जाता है, कोशिका रस के द्वारा इसके वाल पर जो दाब डाला जाता है, ये भित्ति दाब कहलाता है। अब ये भित्ति प्रत्यास्थ होता है, जैसे रबर को खींचते हैं छोड़ते हैं वैसे प्रत्यास्थ होता है, तो कोशिका भित्ति प्रत्यास्थ होता है, ये भी उतना ही दाब अंदर की ओर डालता है इस पर, इसको स्फीति दाब बोलते हैं। तो कोशिका रस के द्वारा जो बाहर की ओर डाला गया दाब है भित्ति दाब कहलाता है, भित्ति पर, लेकिन भित्ति भी एक दाब डालता है तो इसको भित्ति के द्वारा जो दाब डाला जाता है ये स्फीति दाब कहलाता है, या फिर स्फीति दाब को टीपी लिखते हैं, टर्गर प्रेशर, और इसको लिखते हैं WP, वॉल प्रेशर। ये दोनों बराबर होते हैं, टर्गर प्रेशर बराबर होता है वॉल प्रेशर के, दोनों बराबर होता है। टर्गर प्रेशर स्फीति दाब, भित्ति दाब है वॉल प्रेशर, ये दोनों बराबर रहता है और कोशिका पूर्ण रूप से तंदुरुस्त रहता है, टर्गिट रहता है, फूला हुआ रहता है। आगे है प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन, जब कोई कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, तो कोशिका इसके अंदर में जैसे बड़ा रिक्तिका रहता है, केंद्रक रहता है, अन्य कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सारे होते हैं। इसको जब अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, इस विलयन में रखा जाता है, तो होता यह है कि ये इसके जो अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जैसे इसके बाद वाले चित्र ऐसे बनाओगे, यहां पर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और अंतिम स्टेज में जैसे देखते हैं सिकुड़ जाता है। ये जैसे रिक्तिका, केंद्रक, एक कोशिका भित्ति, ये है प्लाज्मा भित्ति, इस प्रकार थोड़ा सा छूट रहा है,
यहाँ पर एक जगह संकुचित हो जाता है, जीव द्रव्य एक जगह संकुचित हो जाता है और बाहर वाले विलयन में विलयन यहां भर जाता है, जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस प्रकार से इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। अब ऐसी कोशिका को यदि शुद्ध जल में रख दिया जाए तो ये फिर अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो उसको डीप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है उसको। इसका उपयोग वैसे अचार या मुरब्बे बनाने में कितना नमक शक्कर डालना है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका फिर खेत में कितना उर्वरक डालना है इसका भी ज्ञान है ये जीव द्रव्य कुंचन से। यदि खेत में अधिक मात्रा में उर्वरक डाल देंगे तो फसल पूरा जल गया बोलते हैं, मर जाता है, सूख जाता है। इसी प्रकार खरपतवार भी नष्ट किया जाता है इसी विधि के द्वारा, जीव द्रव्य कुंचन जानने की इस विधि के द्वारा खरपतवारों को भी नष्ट किया जाता है। धन्यवाद।